अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज जुमे का दिन है तो आज हम सोच रहे हैं कि अपने थोड़ी छत की साफ़ सफाई कर लें और दरबे की भी साफ़ सफाई कर लें। वैसे तो हर रोज़ सुबह में करते हैं छत की सफाई, लेकिन दरबे की सफाई नहीं कर रहे हैं, 3 से 4 दिन हो गया। तो अभी हम लोग जाली लगाए हैं तो उसकी वजह से क्या है, अंदर साफ़ सफाई रहना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बारीक पतली जाली है वो, उसमें से ज़्यादा हवा पास नहीं होगा, तो बस इसीलिए साफ़ सफाई करना पड़ेगा हम लोगों को हर 2 दिन में या 1 दिन में। अगर आप लोग भी साफ़ सफाई रखिएगा तो कोई बीमारी नहीं आएगी, इसीलिए साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, देखते हैं, बता देखिए आप लोग। तो देख सकते हैं दोस्तों, साफ़ सफाई हमने शुरू कर दी है। ये साफ़ सफाई की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे भाई लोग ऐसे हैं जो अपने दरबे की साफ़ सफाई नहीं करते, तो उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, साफ़ सफाई जितनी रखेंगे आप अपने घर पे अपने कबूतरों पे, तो उससे क्या होगा कि आपके घर वाले भी देखेंगे कि भाई कबूतर तो पाल रहा, ऊपर से साफ़ सफाई भी रखता है, गंदगी नहीं रखता, और क्या होगा कि कबूतर आपके बीमारियों से भी बचे रहेंगे, क्योंकि कबूतर अगर साफ़ सफाई नहीं रहती है तो बीट भी खा लेते हैं कबूतर। देखते होंगे आप कभी कभी कि कबूतर खाते खाते जाके वहाँ सूखा हुआ बीट अगर पड़ा रहता है तो वो खा जाता है कबूतर, तो इसी वजह से साफ़ सफाई करना ज़रूरी है। तो देख सकते हैं ये छत हमने साफ़ कर दिया है, तो साफ़ इसलिए किया है क्योंकि दोस्तों बता दिया मैंने पहले कि कबूतर खा लेंगे वो सब। तो देख लीजिए हम कबूतर को खोले हैं, तो देखिए खाना शुरू कर दिया कबूतर, तो अगर गंदगी रहेगी तो कबूतर वो उठा के खा लेगा तुरंत। तो ये हरा देख सकते हैं हमारा, ये तो यहाँ का समझिए कि फ़ैन हो गया, यहाँ से कहीं नहीं जाता अभी। तो बस यही सब कहना था दोस्तों कि साफ़ सफाई रखिए अपने दरबे में। तो अभी अंदर के दरवे की भी साफ़ सफाई करना है हमको, अंदर के दरवे की साफ़ सफाई करके हमको 2 दिन हुआ, 2 दिन में कितना गंदा हुआ आप लोग देख सकते हैं। तो अगर मेरे दरवे में उतना गंदा है तो आप लोगों के भी दरवे में बहुत सारा गंदगी होगी, तो आप लोग भी अपने दरवे की साफ़ सफाई कीजिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं साफ़ सफाई कर रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोगों के कबूतर ठीक रहेंगे और आप भी ठीक ठाक से रहेंगे। तो अभी हम लोग इन लोगों के दाने लगाने के लिए जाते हैं, तो इधर उधर मैं इसलिए देखता हूँ दोस्तों क्योंकि यहाँ जो रास्ते हम बता रहे हैं आप लोगों को, यहाँ से बिल्ली आती है दोस्तों, और बिल्ली आती है तो हमको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि आती है कबूतर को डरा के चली जाती है, तो आती है खाने के वास्ते, लेकिन अब हम लोग रहते हैं इसीलिए उसे पकड़ नहीं सकती है, तो क्या कर सकते हैं, बिल्ली है उसका इन लोग शिकार है, तो एक बार हम लोगों को चेक कर लेना चाहिए क्योंकि हम लोग जब पाल रहे हैं तो उसका केयर हम लोगों को ही करना है। तो यहाँ से भी एक जगह से बिल्ली आती है, तो यहाँ से भी देख ले रहे हैं हम लोग। तो बस आप लोगों को यही देखना है कि बिल्ली कहाँ से आती है नहीं आती है, तो उन लोगों को थोड़ा सा डरा के रखना, मारना नहीं है, बस डराना है आप लोगों को। अगर आप पकड़ सकते हैं उसको तो पकड़ लीजिए, पकड़ के कहीं दूर ले जाके छोड़ दीजिए। तो लोगों को पहले दाना डालते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों दाना हमने नीचे से लेके आ गए हैं, और इन लोगों को देखिए थोड़ी देर हम नीचे गए थे तो देखिए लोग छत पे कहाँ कहाँ चले गए, देख सकते हैं आप लोग इतनी दूर दूर गए हैं, तो बिल्ली तुरंत आकर पकड़ सकती है इन लोगों को। तो इन लोगों को उधर करते हैं पहले, तो इन लोगों को उधर कर देंगे, देखिए लाल सिरा हमारा चला गया उधर, तो इन लोगों को उधर कर देंगे, उसके बाद आराम से जाके खाएगा इन लोग पूरा सब। ये देख सकते हैं ये हमारा सहारनपुरी है, ये इतने छोटे छोटे परों में भी उड़ता है अच्छा खासा। अभी देखिए इधर चला आया है, ये दाना देख के मेरे हाथ में इधर चला आया, तो इसको थोड़ा सा उधर करते हैं। तो बहुत अच्छा कबूतर है माशाल्लाह, अल्लाह के फजल करम से सभी कबूतर ठीक ठाक हैं, अभी कोई बीमार नहीं है, जो बीमार था वो ठीक हो गया, जिसको बीमारी ठीक नहीं हुई वो बेचारा चला गया। तो कोई नहीं दोस्तों, कबूतरों के साथ अपने साथ ऐसा होता रहता है, जो नसीब में होता है वो हो जाता है। तो इन लोग को दाना डालते हैं, तो ये देखिए पानी के अंदर घुस गई है, इसको शायद प्यास लगी, पानी भी नीचे रख देंगे हम। तो इन लोगों को दाना डालेंगे तो देखिएगा कैसे खाना शुरू कर देंगे दाना। अब ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कबूतर का केयर कीजिए, मतलब कबूतर आप रख रहे हैं तो उसकी साफ़ सफाई ज़रूरी है, उसके साथ आप घर में कैसा साफ सफाई करते हैं दिखाना ज़रूरी है। तो ये देख लीजिए आप लोग 2 दिन के अंदर सिर्फ कितना सारा गंदा हो गया, देख सकते हैं आप लोग। तो हमको इसको साफ़ सफाई करना है, तो आप लोग देख लीजिए, ऐसा अगर लोहा आप लोगों के पास मिलता है इसका स्क्रीनशॉट हम यहाँ पर डाल देंगे, आप लोगों को देख लीजिएगा, ये लोहा अगर आप लोगों को मिलता है कहीं पर तो ये लोहा खरीद लीजिए और लेके इससे साफ़ सफाई करने में बहुत आसानी होती है। 2 दिन में 3 दिन में एक बार साफ़ सफाई कीजिए, आप लोगों को ज़्यादा गंदगी नहीं लगेगी और दरबे भी साफ़ सफाई रहेंगे, साफ़ रहेंगे। आप जो सामने कूट देख रहे हैं आप लोग, अंडे का ट्रे देख रहे हैं, तो वो ऊपर से थोड़ा सा गंदा हो गया, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, झाड़ेंगे, झाड़ने के बाद इसको बिछाएंगे, तो देखिएगा कितना अच्छा चमक जाएगा दरबा हमारा। तो साफ़ सफाई करने के बाद मिलते हैं आप लोगों से, देख सकते हैं ये पूरा गंदा हो गया, तो कूट को हटा रहे हैं, तो देखिए नीचे ज़्यादा गंदगी नहीं है, तो इसी वजह से कूट मैंने डाला था कि नीचे गंदगी ज़्यादा नहीं रहे और क्या हो कि यहाँ पर मतलब ज़्यादा गंदगी नहीं और कबूतर ऊपर आराम से बैठे रहे। तो देख सकते हैं आप लोग ज़्यादा गंदगी भी नहीं है, तो ऐसे 2-3 दिन में साफ़ सफाई कर दीजिए तो साफ़ रहेगा कबूतर। तो
इन लोगों को देख सकते हैं, इन लोग बार बार इधर आ जा रहे हैं। इधर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर इन लोगों का पहले घर था, तो इसलिए इन लोग बार बार यहाँ पर आ जा रहे हैं। तो आप लोग पूरी वीडियो देखा कीजिए, तब हम सब चीज़ बताएंगे आप लोगों को, कबूतर कहाँ रहते थे, कहाँ से कहाँ आए। तो अभी इन लोगों को हम लेकर के आ गए ऊपर। तो देख सकते हैं साफ़ सफाई हमने पूरी कर दी है, सिर्फ यहाँ पर एक कोने में दरबा है। ये जो दरबा देख रहे हैं आप, जो लाल सब्जी का दरबा, इसमें एक अंडा दिया हुआ है नीचे कबूतर, तो इसी वजह से इसको साफ़ नहीं किया, क्योंकि अगर उसको साफ़ सफाई करेंगे तो अंडा हिल जाएगा, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। तो देख सकते हैं कूट कैसा चमक गया, देख रहे हैं आप लोग। कूट को सिर्फ मैंने पलटाया है, पीछे से जो कूट में गंदगी थी वो निकाल दिया, उसके बाद पलटा दिया कूट, तो कूट देख सकते हैं कितना अच्छा चमक रहा। और नीचे देखिए साफ़ सफाई कितनी अच्छी लग रही है। तो आप लोग भी अगर दबरे में अपनी साफ़ सफाई रखिएगा तो आप लोगों को ये फ़ायदा है। ठीक है दोस्तों, तो बस अपने कबूतरों का ख्याल रखिए, दरबे में साफ़ सफाई रखिए। अभी लोगों को हम दाना डालते हैं, उसके बाद मिलते हैं हम अगली वीडियो में कुछ नया लेकर के। अगर जो भी कबूतर सेल करना चाहता है तो भाई मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ, तो हमको नंबर डाल सकता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपने घर से कबूतर बेचना चाहते हैं, जिनको टाइम नहीं मिल पाता, तो उन लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि जो कबूतर आपको सेल करना है भाई, उसका वीडियो बनाइए और हमारे चैनल पे, मतलब हमको डालिए व्हाट्सएप पे, हम इंशाल्लाह आपकी वीडियो को चैनल पे डालेंगे। चैनल पे डालने के बाद बहुत सारे दोस्त हैं जो अपने घर से कबूतर ख़रीदना चाहते हैं, जैसे आपको बेचने का टाइम नहीं मिलता वैसे ही उनको ख़रीदने का टाइम नहीं मिलता है दोस्तों। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि उन लोगों के लिए भी आसानी रहेगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।